हर वक्त दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों की लड़ाई आखिर कौन करे। हमीरपुर में ये सवाल पत्रकार कक्ष को देखकर उठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पत्रकार कक्ष की हालत दयनीय बनी हुई है। आलम ऐसा है कि पत्रकार कक्ष के अंदर सीलन होने से दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा है तो छत भी खराब हो गई है। वहीं पत्रकार भवन के शौचालय किसी सार्वजनिक शौचालय से भी बदतर है, तो कक्ष के अंदर लगे हुए कर्टन भी टूट चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पत्रकारों ने अपनी व्यथा को डीपीआरओ जिला प्रशासन से लेकर विधायक और सांसद तक नहीं सुनाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जिस कारण अब पत्रकारों में गहरा रोष पनपा हुआ है। आपको बता दें कि मिनी सचिवालय के साथ सटे हुए पत्रकार कक्ष की हालत डीसी से लेकर विधायक और सांसद अनुराग ठाकुर से भी छिपी नहीं रही है, क्योंकि गत दिनों ही एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर से भी पत्रकार खस्ता हॉल कक्ष की हालत को ठीक करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है और बैठने के लिए भी सालों पुराने रखी गई कुर्सियां खराब हो गई हैं और कमरे में लगा हुआ एसी भी खराब पड़ा हुआ है। पत्रकार कक्ष के ऊपर घास उगी है तो झाड़ियों ने अपना साम्राज्य बनाया हुआ है। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कमर की माने तो कई बार प्रेस रूम की हालत के बारे में प्रशासन को बताया गया है और लिखित तौर पर भी मरम्मत के लिए गुहार लगाई गई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक नरेंद्र ठाकुर और एमपी अनुराग ठाकुर को भी हालत सुधारने के लिए लिखित मांग की थी, लेकिन आज दिन तक मरम्मत नहीं होने से पत्रकारों को खस्ता हाल भवन में समय गुजारना पड़ता है। वहीं पत्रकार नीलकांत का कहना है कि प्रेस रूम की हालत को देखकर बड़ी हैरानी होती है कि जिला प्रशासन के बगल में प्रेस रूम है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब की समस्या को जिला प्रशासन अनदेखा कर रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रेस रूम की हालत को सुधारा जाए, अन्यथा प्रेस रूम के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाए। वहीं पत्रकार उमेश का कहना है कि प्रेस रूम में पत्रकार दिनचर्या के काम को निपटाने के लिए आते हैं, लेकिन कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी मरम्मत नहीं हो रही है। पत्रकार विशाल का कहना है कि बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी मरम्मत नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक बार विधायक नरेंद्र ठाकुर के पास शिकायत की थी और उन्होंने तत्कालीन डीसी को फोन पर हालत सुधारने के लिए कहा था, लेकिन आज दिन तक कुछ नहीं हुआ है। शून्य लागत प्राकृतिक खेती की ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी के चलते नदौन में एक दिवसीय किसान गोष्ठी की अध्यक्षता हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने की। किसान गोष्ठी का आयोजन आत्मा प्रोजेक्ट हमीरपुर के द्वारा किया गया, जिसमें शून्य लागत प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई और संस्था से जुड़े 300 किसानों ने इसमें भाग लिया। इस शिविर में आत्मा प्रोजेक्ट निदेशक डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने बताया कि हिमाचल सरकार ने किसानों के स्वास्थ्य हेतु प्राकृतिक खेती नामक योजना शुरू की है, जिसमें लगभग 990 किसान इस खेती से जुड़ चुके हैं। लगभग 4000 किसानों को इस संस्था से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस गोष्ठी में आत्मा के अध्यक्ष कमल शर्मा, भारतीय किसान संघ जिला हमीरपुर के अमित चंद, प्रमोद पठानिया व अन्य गणमान्य कृषक मौजूद रहे।
पूर्व विधायक एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने कहा कि खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आने की जरूरत है और शून्य लागत प्राकृतिक खेती को करके किसान अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसान प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो, इसलिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नगर परिषद नादौन में स्वच्छता अभियान के तहत विशेष कार्य किया जा रहा है। नगर परिषद नादौन में स्वच्छता अभियान के तहत 11 सितंबर से सभी वार्डों में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ईओ नादौन सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि पहली अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेगा, जबकि 2 अक्टूबर को भी श्रमदान कार्यक्रम मनाया जाएगा। ईओ सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि नादौन शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कवायद शुरू की गई है, जिसके चलते ही नगर परिषद ने सभी वार्डों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता परम धर्म के बारे में जागरूक किया जा रहा है।